कोरोना फिर से आ गया है और अब की बार कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो पिछली कोरोना की बीमारी थी वो उससे अब की बार कई गुना ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुंभ का मेला, बड़ी तादाद में लोग नहा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं भी मास्क का इस्तेमाल नहीं, टेलीविजन पर लाखों लाखों लोग की रैलियां हो रही हैं। रैलियां करने वाले कौन है? इस मुल्क के जिम्मेदार होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब बगैर मास्क पहने हुए भाषण कर रहे हैं, लाखों लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर एक दूसरे से टकरा दी जा रही है, किसने ये मास्क नहीं पहना? लेकिन ये लोग कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। मीडिया अंधी हो गई है, ये पालतू मीडिया जो सरकार के सामने दुम हिलाती फिरती रहती है, उस मीडिया को आज नजर नहीं आ रहा है? जब दिल्ली में एक बड़े हॉल के अंदर जहां कई हजार लोगों के रहने की कैपेसिटी, उस हॉल में कोरोना आने के पहले से लोग आए हुए थे तबलीग के लिए, और जैसे कोरोना का ऐलान हुआ, लॉकडाउन लगा, सब ने सरकार से कहा बस का बंदोबस्त कर दो, हम यहां से जल्दी अपने घर जाना चाहते। बाहर नहीं निकले थे वो लोग, पब्लिक के बीच में नहीं थे, कोरोना उससे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन मीडिया ने पूरे देश में तबलीगी जमात पर जो इल्जाम लगाए, कई महीने तक लगातार, यानी यहां हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई कि ये मुसलमान, ये तबलीग जमात वाले ही जिम्मेदार है इस मुल्क में पूरा का पूरा कोरोना फैलाने का, और आज कोई बोल नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? मीडिया क्या कर रही है? सिर्फ चापलूसी तलवे चाट रही है? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं आज कि कुंभ का मेला, पॉलिटिकल रैलियां, ये कोरोना घटा रही है बढ़ा रही है?